हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 जो कि एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बुक से चलाया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों का क्यूरियस था कि वो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 चाहिए, तो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 जो है वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे ही एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 मार्केट में अवेलेबल होगा आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का क्यूरियस है कि किरण का, अरिहंत का, ठीक है, और एक दो पब्लिशर का नाम है, ये सारे पब्लिशर का आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए। देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली मैं एग्जाम से पहले पहले सारे टेस्ट पेपर कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ सारे बुक के टेस्ट पेपर को कवर, तो मैं आप लोगों को नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि हो जाए। तो थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट बना के रखिए, जितना हो सकेगा मेरे से बेस्ट पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए करूंगा, और जितना नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों का क्यूरीज है कि कुछ टेस्ट सीरीज का आंसर मैथ्स और रीजनिंग का आंसर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। पूरा आंसर मैं नहीं प्रोवाइड करवाता हूँ क्योंकि कुछ कॉपीराइट पॉलिसीज होती है जिसके कारण मैं पूरा का पूरा सब कुछ आपको एज इट इज जैसा बुक में है मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कुछ कॉपीराइट पॉलिसीज है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के जो डिजायर है, जो आप लोगों का एम्बिशन है, उसमें मैं हेल्प कर पा रहा हूँ और आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ मदद मिल पा रहा है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल किया गया है। तो देखिए, अगर हम प्रस्तावना की सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, अब वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला जोड़ा गया था राष्ट्रीय अखंडता, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा समाजवाद। तो अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये तीनों जोड़ा गया है, बंधुत्व नहीं जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावना से याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रस्तावना से के अनुसार संविधान के अधीन मतलब जो समस्त शक्तियां हैं उसका जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, वो क्या है, भारत के लोग ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली जो आयोग है वो राजपूर्ण गठन आयोग से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फजल आयोग जो था वो 3 सदस्यीय समिति था और जो उसका हेड होता है उसके नाम पर होता है, तो फजल अली हेड थे, तो इसलिए इस कमेटी का नाम दिया गया फजल अली कमेटी, ठीक है। इसका गठन 1953 में किया गया था और ये अपना रिपोर्ट पेश किया था 1955 में, ठीक है। आप लोगों को राज पुनर्गठन से एक चीज़ याद होगा कि पहला राज वो कौन था जिसका गठन भाषा के आधार पर 1953 में हुआ था, तो वो राज है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन भाषा के आधार पर 1953 में हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और समितियों का आप याद रखिएगा, केंद्र राज संबंध से एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है सरकारिया समिति। तो ये भी याद रखिएगा, सरकारिया समिति का संबंध केंद्र राज संबंध से। साथ ही साथ एक और याद रखिएगा, स्वामीनाथन समिति, इसका है जनसंख्या से संबंध। एक याद रखिएगा, वाला समिति, जिसका है बेरोजगारी के अनुमूलन से संबंध है। अभी रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने तो एक स्टेप ले लिया है कि अब बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से ये संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए 1789 से लेके 1799 तक, ठीक है। प्रस्तावना से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद, ठीक है। ये कब हुई हुआ है, 1973 की यह बात है, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधन किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की, तो इसका संशोधन बहुत बार हुआ है। 55 से के बाद हुआ है 57 में, 60 में, 85 में, 86 में, 92, 2003, 2005, 2015, 2019, इतने बार संशोधन हुआ है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, पहला जो हुआ है वो तो हुआ है 1957 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब याद रखिएगा, एक बार जो नागरिकता संशोधन हुआ अधिनियम वो 1986 वाला याद रखिएगा। 1986 में क्या हुआ था कि जो देशीयकरण द्वारा नागरिकता होगा उसको ये कर दिया गया था कि देशीयकरण द्वारा जो नागरिकता होगा वो तभी प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति कम से कम भारत में 10 वर्ष रह चुका हो, और पहले ये कितना था, पहले ये 5 वर्ष था। ठीक है, एक याद रखिएगा नागरिकता संविधान संशोधन 1992। 1992 नागरिकता संविधान संशोधन का इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को भी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है अनुच्छेद 17 संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता को समाप्त करने का है, तो अस्पृश्यता का अंत से है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं विधि की समक्ष क्षमता से तो ये है अनुच्छेद 14 में, उपाधियों के अंत की बात करते हैं तो ये है अनुच्छेद 18 में, लोक नियोजन में विषय में अवसर की क्षमता की बात करते हैं तो ये है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कह रहा है निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यनाओं की घोषणाएं हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है निदेशक तत्व द्वारा सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देता है, ये भी सही है। जहां कभी भी मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में विवाद हो वहां निदेशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जब भी नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में विवाद की स्थिति होगी तो नीति निदेशक तत्व को वरीयता नहीं दी जाएगी, बल्कि दोनों में, मतलब नीति निदेशक तत्व में और मौलिक अधिकार में दोनों में सामंजस्य की बात कहा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 सही है और 4 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं नीति निदेशक तत्व की, तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51, और ये लिया कहां से गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो है अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, सही बात है। महान्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सही बात है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। महान्यायवादी लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं महान्यायवादी की, महान्यायवादी यानी अनुच्छेद 76, एक और इससे सिमिलर टर्म आपको होगा महाधिवक्ता, जो है अनुच्छेद 165 के तहत। महान्यायवादी अनुच्छेद 76, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी है और महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। ठीक है, महान्यायवादी से याद रखिएगा, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, महान्यायवादी से एक और चीज याद रखिएगा कि महान्यायवादी कौन है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो बना ही रहेगा, साथ ही साथ ये संसद के दोनों सदन में बोलने में बोल सकता है या कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतलब संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, लेकिन उसको मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार नहीं है। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत है, ये अनुच्छेद 88 के तहत है, ये भी याद रखिएगा। महान्यायवादी से एक और चीज याद रखिएगा, महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, पहली बात कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये तो निर्णय करेगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा स्पीकर निर्णय करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि धन विधेयक, तो धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा से अगर धन विधेयक पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा में उसको सिर्फ क्या हो सकता है, राज्यसभा जो है वो उसको अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा स्वीकृति नहीं दिया जा देगा भी तो उसको खुद ब खुद क्या मान लिया जाता है कि खुद ब खुद वो पारित हो गया या पारित मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है लेम डक सत्र क्या होता है, तो लेम डक सत्र जो होता है वो होता है नई लोकसभा गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र जो होता है वो लेम डक सत्र कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। लेम डक सत्र से एक चीज याद रखिएगा कि लेम डक सत्र के दौरान ही अधूरा बजट जो होता है वो पेश किया जाता है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार होती है उसका ये आखिरी सत्र होता है, फिर वो चुनाव के बाद वो सरकार आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो वो उसका आखिरी सत्र होता है, इसीलिए अधूरा बजट उसमें पेश किया जाता है। किसमें? लेम डक सत्र में पेश किया जाता है। ठीक है,
और लोकसभा के वो सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उनको भी लेम डक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये देखिए, यह लोक वित्त का संरक्षक होता है, ये भी सही है, और इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पर ही होता है, ये भी सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अगर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की, तो ये भारतीय लेखा परीक्षक और वित्त का संरक्षक दोनों होता है, साथ ही साथ देश की समस्त वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो ये अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में है। इसकी पदावधि 6 वर्ष या 65 साल जो भी है। ठीक है, इससे एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है, अगर ये रिटायर हो जाता है, मतलब इसका सेवानिवृत्त हो जाता है, तो ये सेवानिवृत्त के बाद किसी भी भारत सरकार के कोई भी पद पर यह अधीन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इसकी बात अगर करते हैं तो पहला देखिए, इसमें 50 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण प्राप्त था, ये गलत है। 50% सीटों पर नहीं था, 1/3 सीटों पर था, जो कि लगभग 33.33% के अबाउट ही होगा। ठीक है, दूसरा है, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन संविधान के 12वीं अनुसूची से संबंधित है, ये गलत है, ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है, तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत है, और चौथा यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा, देखिए इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, पहला तो गलत ही है, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और ये त्रिस्तरीय समिति किया था किनके द्वारा पंचायती राज के, तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जो 1956 में बना था और 1957 में अपना रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। अब बात करते लीजिए प्रथम अनुसूची की, तो प्रथम अनुसूची संघ राज क्षेत्र बिल्कुल सही है, चौथी अनुसूची राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन बिल्कुल सही है, नौवीं अनुसूची दल बदल ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम नौवीं अनुसूची की बात करते हैं तो नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के अनुमूलन से संबंधित तथ्य हैं। ठीक है, नौवीं अनुसूची से एक चीज याद रखिएगा, दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं, देखिए 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, उसके बाद अभी जोड़ा गया 9, 10, 11 और 12। ये आपको, आप लोगों को पता भी होगा, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1 से 12 अनुसूचियों को एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, जल्दी से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। प्रथम अनुसूची संघ राज क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन, तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण, चौथी अनुसूची राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण। ठीक है, 6ठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची केंद्रों एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची है भू सुधार और जमींदारी प्रणाली से। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है, निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत में सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए हैं। तो सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है, कुल 10 बार। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। अगर हम बजट सत्र की बात करते हैं तो बजट सत्र से एक चीज याद रखिएगा कि बजट सत्र जो होता है वो फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है। ठीक है, और एक बजट से एक और चीज़ याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। ये बात कर रहा है स्वतंत्र भारत की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के पसमुखम सेट्ठी। क्लियर है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे गणतंत्र भारत की, यहां स्वतंत्र भारत है, लेकिन अगर पूछ दे आपसे गणतंत्र भारत की, तब आंसर हो जाएगा जॉन मथाई जो थे वो गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। क्लियर है,
अब बात करते हैं और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखिए और ये जॉन मथाई से एक और चीज़ याद रखिएगा, ये गणतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री थे और स्वतंत्र भारत में प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री भी थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र भारत में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनके पास था, और लियाकत अली की बात करते हैं तो जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें वित्त विभाग लियाकत अली को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले तो याद होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1951 से लेकर 1956, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेहरू महान लोबिस मॉडल की बात करते हैं तो इस पर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक जो थी वो आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना से याद रखिएगा भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना, ये सारा परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है। देखिए होता क्या है कि जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो ऋण जो होता है ऋण के ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है, और उसी के परिणाम स्वरूप साख सृजन की प्रक्रिया में कमी आती है और मुद्रा प्रसार में फिर कमी आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस ब्याज दर पर जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसी रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है। तो म्यूचुअल फंड का नियमन करता है सेबी, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आरबीआई क्या कर, सेबी करता है क्या, म्यूचुअल फंड में फंडों का नियमन करता है, आरबीआई करता है बैंकों का नियमन, नवार्ड करता है कृषि एवं ग्रामीण शाख का नियमन, और आईआरडीए करता है बीमा क्षेत्र का नियमन। सेबी से याद रखिएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो थी वो 1988 में हुई थी, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता जो था वो 1992 में मिला था। ठीक है, सेबी से याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अभी जो इसके तत्कालीन अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। आरबीआई की अगर हम बात कर लेते हैं तो आरबीआई से याद रखिएगा इसका गठन 1935 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, अभी जो इसके गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है। नवार्ड से याद रखिएगा इसका गठन 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, और अभी जो इनके चेयरमैन हैं उनका नाम है गोविंद रजलू चिंटाला। ठीक है, आईआरडीए की बात करते हैं तो आईआरडीए का फुल फॉर्म होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र कुंतिया। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। तो गन मेटल में होता क्या है पहले ये देख लीजिए। गन मेटल में ऑलमोस्ट 88% के अप्रॉक्स में कॉपर होता है जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं, 8 से 10% होता है टीन, और 2 से 4% होता है जिंक जिसको कि जस्ता बोलते हैं। तो होता क्या है, मतलब तांबा टीन और जस्ता होता है, तांबा टीन और जस्ता होता है यानी निकल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। निकल से याद रखिएगा कॉपर निकल और जिंक मिला के बनता है जर्मन सिल्वर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिल्वर होता है इसमें, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, Cu+Ni+Zn होता है वो होता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, गन मेटल से एक और चीज़ याद रखिएगा, गन मेटल को रेड ब्रास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आर्सेनिक की अधिकता से याद रखिएगा ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है, और कैंडियम की अधिकता से इटाई नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक बार का मान कितना होता है। तो एक बार का मान होता है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। बार क्या है, बार एक मात्रक है प्रेशर का, मतलब यूनिट ऑफ प्रेशर है। अगर हम बार की बात करते हैं तो सिंपल सा मतलब होता है 1 bar जो होता है वो रफली अप्रॉक्सीमेटली जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल सा कहने का मतलब है 1 bar इज रफली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 111 meters एट 15°C। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है एम्पियर को, तो एम्पियर यहाँ किससे मैच होगा, धारा से मैच हो जाएगा।
वाट की अगर बात करते हैं तो वाट सामर्थ्य से मैच हो जाएगा, जूल की बात करते हैं तो ये कार के साथ मैच हो जाएगा, और वोल्ट विभवांतर के साथ मैच हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किस बिंदु पर फॉरेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दुगना हो जाएगा। देखिए आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला रिलेशनशिप पढ़े होंगे, किसके, तापमान के चारों पैमाने के संबंध में। क्या पढ़े होंगे, सी बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू आर अपॉन में 80 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन में 100। ये क्या है, ये चारों जो हमारा तापमान का जो पैमाना है उसके बीच में संबंध स्थापित, रिलेशनशिप स्थापित करता है। यहाँ पे सी है सेल्सियस, एफ है फारेनहाइट, आर है रोमर और के है केल्विन। तो इसी फार्मूले पे आप रखिए, इसी फार्मूले को अगर हम इसको लिखते हैं, शॉर्ट करके लिखते हैं, तो हो जाएगा सी बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन में 9। अब देखिए तो यहाँ कह रहा है दुगना, तो यहाँ हम एफ बराबर 2c लिख देंगे। अब यहाँ पे एफ के जगह पे आप 2c लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा सी इज इक्वल टू 160 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा इसमें जो दिए हुए ऑप्शंस हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। विशिष्ट ऊष्मा से याद रखिएगा, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। ठीक है, क्या होता है, जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, मतलब विशिष्ट ऊष्मा की, तो विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ को, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ याद रखिएगा, इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया, अगर मतलब दूरदृष्टि दोष की बात कर रहा है तब हो जाएगा उत्तल लेंस, और अगर निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है तब हो जाएगा अवतल लेंस। क्लियर है, दूरदृष्टि दोष में याद रखिएगा जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में रेटिना के आगे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन है पारा, पारा तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, गैलीलियम ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रहे ये दोनों क्या है, धातु है। क्वेश्चन में अधातु पूछ रहा है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि अधातु है और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, धातुओं के ऑक्साइड में प्रवृत्ति प्रायः होती है। तो धातुओं के ऑक्साइड में क्या होता है, क्षारीय प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, लार का पीएच मान कितना होगा। तो लार का जो पीएच मान होगा वो होता है 6.5। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, रक्त का अगर पीएच मान की बात करते हैं तो रक्त का होगा 7.4। 8.4 होता है किसका, समुद्री जल का, और 6 किसका होगा, 6 होगा मूत्र का। ठीक है, अगर हम बात दूध की कर लेते हैं तो दूध का होगा 6.4। शराब की बात करते हैं तो हो जाएगा 2.8। सिरका का हो जाएगा 2.4। नींबू का हो जाएगा 2.2। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा, ये सारे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा शरीर होता है वो 7 से लेके 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, CH2N+2 जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, प्रोड्यूसर गैस होता है। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होगा, CO+N2 जो होता है वो प्रोड्यूसर गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर है। और CO+H2 की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, CO+ अगर H2 की बात करते हैं तब हो जाएगा वो जल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हरा कशिश की अगर बात कर रहा है तो ये किसके साथ मैच करेगा, Fe SO4+7H2O। उजला थोथा की अगर बात कर रहा है तो ये मैच करेगा ZnSO4+7H2O। नीला थोथा की अगर बात कर रहा है तो ये मैच करेगा CuSO4+5H2O। और लाल थोथा की बात कर रहा है तो ये मैच करेगा CSO4×7H2O।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज्यादा इसको जरूरत पड़ेगी मैग्नीशियम की, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया रोग की बात करते हैं तो मलेरिया रोग में शरीर का तिल्ली प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। मलेरिया रोग से याद रखिएगा, मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मस्तिष्क की अगर बात करते हैं तो मस्तिष्क किसमें प्रभावित होता है, मस्तिष्क सोने की जो बीमारी होती है उसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, आंत की अगर बात करते हैं तो आंत प्रभावित किसमें होता है, टाइफाइड में, हैजा में, पेचिस में, ये सब में आंत प्रभावित होता है। अगर फेफड़ा की बात करते हैं तो फेफड़ा किसमें प्रभावित होता है, क्षय रोग या निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जीवाणु से होने वाले रोग नहीं है, मतलब जो ऐसे रोग हैं जो जीवाणु से नहीं होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक जो होता है वो जीवाणु से नहीं होता है, ये विषाणु से होता है। तो चेचक किससे होता है, विषाणु यानी वायरस से होता है। बाद बाकी हैजा, नियासिन और सिफिलिस ये तीनों किसका है, तीनों जीवाणु से होता है। चेचक विषाणु से होता है, साथ ही साथ विषाणु से और कुछ भी याद रखिएगा, एड्स, पोलियो, खसरा, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब बीमारी किससे होते हैं, वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है नाखून, खूर और सिंह किसमें किससे बने होते हैं, तो ये कीरेटिन से बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है, तो लैंगरहैंस की जो दीपिका है वो अग्नाशय के भाग है यानी पैनक्रियाज का भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और लैंगरहैंस की दीपिका की बात करते हैं तो इसका खोज लैंगरहैंस नामक एक चिकित्सा शास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा किया गया है। लैंगरहैंस से याद रखिएगा, इसके बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकोन और गामा सेल से सेमोटोस्टीन नामक हार्मोन निकलता है। अगर हम बात अग्नाशय की कर लेते हैं तो अग्नाशय से याद रखिएगा, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। तो यह भी याद रखिएगा, मुख से प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जारी रहता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख तक। ठीक है, भोजन के पाचन की अगर बात करते हैं तो भोजन के पाचन में संपूर्ण प्रक्रिया जो होता है वो पांच अवस्थाओं से गुजरता है। पहला होता है अंतग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण और चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है मल परित्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, तो भारतीय मानक समय की अगर बात करते हैं तो ये जो होता है वो 82.5 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता है, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं पूरा चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। अगर ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया का चारों पॉइंट है, तो अगर नॉर्दर्न पॉइंट की बात करते हैं तो नॉर्दर्न पॉइंट हमारा कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट पर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल, जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर हम लोग साउदर्न पॉइंट की बात करते हैं तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में, तमिलनाडु। और अगर हम लोग दीपों को इंक्लूड करके करते हैं तब ये हो जाएगा यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि है कहाँ, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। से एक चीज़ याद रखिएगा, ये भारत का दक्षिणतम छोर तो है ही, साथ ही साथ इसकी भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। अब देख लेते हैं, अगर हम इसकी इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, जिसको हम लोग बोलते हैं गौर माता गुजरात। और अगर ईस्ट मतलब पूर्वी की बात करते हैं तब हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, जिसको हम लोग बोलते हैं किबूथी, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चारों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए आप बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडील पीक गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एकमात्र अभ्यारण जहां काश्मीरी महामृग पाया जाता है वो कौन है। तो जहां काश्मीरी महामृग पाया जाता है वो है दचीग्राम, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मुदुमलाई की, तो ये तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ ये जनरली हाथी, तेंदुआ और हिरन के लिए फेमस है। अगर हम काजीरंगा की बात करते हैं तो ये असम के लिए फेमस है और ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसोरस। काना की अगर बात करते हैं तो ये एमपी में है और ये बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा ये सब के लिए फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं काना किसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। अगर हम बात हीराकुंड की करते हैं तो ये सही सुमेलित होगा किससे, उड़ीसा से। मेट्टूर की बात करते हैं तो ये सही सुमेलित होगा किससे, तमिलनाडु से। अलमाटी की बात करते हैं तो ये होगा कर्नाटक। फरक्का की बात करते हैं तब ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर हम बात हीराकुंड की करते हैं तो हीराकुंड से याद रखिएगा महानदी पर, मेट्टूर से याद रखिएगा कावेरी नदी पर, अलमाटी से याद रखिएगा कृष्णा नदी पर और फरक्का है गंगा भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सौर मंडल के चार सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हो जाएगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो इसको आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश से एक और चीज जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वो है नामदफा। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं और ऑप्शंस की। अगर बात हम लोग मणिपुर की करते हैं तो मणिपुर से याद रखिएगा किबुलामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम से याद रखिएगा पंगलोख वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है। असम से याद रखिएगा मानस, काजीरंगा, नामेरी, औरंग, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने से है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में हुआ है। कब हुआ है, 1987 में। ये जनरली एक वैश्विक समझौता है। इसके तहत ये कहा गया है कि ओजोन जो घटने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से रोककर समताप मंडल में ओजोन परत की सुरक्षा करना है। यही ये वैश्विक समझौता का मुख्य उद्देश्य था, जिसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जो 1987 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मोरेन कहाँ बनते हैं। तो मोरेन जो जनरली होता है वो बनेगा हिमानी क्षेत्र में। हिमानी द्वारा पदार्थों के निक्षेप को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोरेन कहते हैं या फिर हिमोड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण कौन है। तो सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। बाद बाकी और जो पंपास है हो गया, बेल्ट हो गया, ये सब क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है आपको। तो ऑस्ट्रेलिया किसके साथ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा बिली बिली के साथ। चीन जो मिलेगा वो मिलेगा टाइफून के साथ। फ्रांस किसके साथ मिलेगा, फ्रांस मिलेगा मिस्ट्रल के साथ। और वेस्ट इंडीज मिलेगा हरिकेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने। तो बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण। बादलों का जो घनत्व होता है वो वायु के घनत्व से कम होता है और इसी के कारण जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सुंडर ट्रेंच कहाँ स्थित है। तो सुंडर ट्रेंच जो स्थित है वो हिंद महासागर में स्थित है। ये पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है और इसको पहले जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कंबोडिया में स्थित है, जो भगवान विष्णु से के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित जोड़ी को सुमेलित कीजिए। तो प्रथम असंगति की बात करते हैं तो प्रथम असंगति से याद रखिएगा किसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। तो ऑप्शन नंबर 4 से ये मैच करेगा। द्वितीय असंगति की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष थे वो साबाकामी थे। तो ये इसके साथ मैच करेगा, ए के साथ। तृतीय असंगति जो है उसकी अगर बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे, मंगलिस पुत्रस। तो ये इसके साथ मैच करेगा। और चतुर्थ असंगति के अध्यक्ष थे बसुमित्र या अश्वघोष। तो ये तीसरे के साथ मैच करेगा। अब बात और कर लेते हैं। प्रथम असंगति जो हुआ था वो हुआ था कहाँ, राजगिरी में।
राजगिरी में हुआ था और उस समय किसका शासनकाल था? अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो ये वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो ये हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगति जो था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था मैत्रेयनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बिंदुसार को निम्न में से किस नाम से नहीं पहचाना गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवान प्रिय। ये जनरली अशोक का नाम था। अशोक से एक और चीज़ याद रखिएगा, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुराणों में अशोक को क्या बोला गया है, तो अशोक वर्धन बोला गया है। बाद बाकी अमित चोटेस, भद्रसार और सिंहसेन, ये तीनों किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। अगर हम बात करते हैं भद्रसार, तो भद्रसार उसको कहाँ कहा गया है ये भी याद रखिएगा। वायु पुराण में बिंबिसार को भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। क्लियर है। बिंदुसार से एक और चीज याद रखिएगा, बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डायोडोरस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। अच्छा नहीं जाना जाता, हाँ तो डायोडोरस से नहीं जाना जाता है, बाद बाकी सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य से तो जाना ही जाता है। देखिए सेंड्रोकोटस की बात करते हैं तो सेंड्रोकोटस से याद रखिएगा, सेंड्रोकोटस उसको कहा कौन था? जस्टिन ने कहा था। क्लियर है। और डायोडोरस जो है वो उसको नहीं कहा जाता है, डायोडोरस जो था वो एक यूनानी लेखक था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी। तो अशोक के अभिलेखों की खोज की अगर बात करते हैं तो किया था पांट्रे ट्री फैंथेलर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कब किया था? 1750 में। लेकिन इसको पढ़ा कब गया था? पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया था। टोटल अशोक के 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं, ठीक है, जिसमें कौसाम्बी अभिलेख एक याद रखिएगा। कौसाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों, किसने कि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक जो है वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बिल्कुल सही है, और बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, ये भी सही है। अलाई दरवाजा से याद रखिएगा, अलाई दरवाजा को क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है अलाई दरवाजा को। बुलंद दरवाजा अकबर ने कब बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था। अकबर से एक और चीज याद रखिएगा, अकबर के समय ही चार बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा, अलाई दरवाजा के साथ साथ इसने सीरी का किला, हजार खंभा महल, जमियत खाना मस्जिद, ये सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था। तो उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है वो करवाया गया था दारा सिको, जो कि एक शाहजहां का सबसे विद्वान बेटा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अब किस नाम से करवाया था? उसका नाम था सिर ए अकबर। सिर ए अकबर का मतलब ही होता है क्या? महान रहस्य। उपनिषदों की अगर बात करते हैं तो उपनिषदों की संख्या है 108, महापुराण की संख्या है 18 और वेदांग की संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था वो असफल रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज जो सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 को हुआ है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत की तरफ से भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से एक चीज याद रखिएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद ही 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था, जिसको कि फाइनली सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हुआ 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी S.A. डांगो के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा ये सहायक संधि प्रणाली सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और फिर किसके द्वारा किया गया था, फिर लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था जो सबसे ज़्यादा प्रमुख हुआ था। लॉर्ड बेलेजली से याद रखिएगा इसका जो शासनकाल था वो था 1798 से लेकर 1805 तक। लॉर्ड बेलेजली जो था वो स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। और इससे एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, रामदास नाम था शिवाजी के गुरु का। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, गुरु रामदास जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, और शिवाजी के संरक्षक का भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। शिवाजी से याद रखिएगा ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और इन्होंने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। एक चीज़ और शिवाजी से पूछा जाता है कि ये जो है वो किनके द्वारा राज्याभिषेक करवाए थे। तो ये एक महाराष्ट्र का प्रसिद्ध विद्वान था श्री गंगा भट्ट, उन्हीं के द्वारा ये अपना राज्याभिषेक करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब, 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात दादा भाई नरोजी की कर लेते हैं तो दादा भाई नरोजी से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ये हुआ क्या था, गोरखपुर के एक चौरी चौरा नामक स्टेशन पे एक पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी, मतलब टोटल 22 लोगों का मौत हो गया था। और इसी से दुखित होकर 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हेनरी बिबियन डेराजियो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो हुआ था टीपू सुल्तान और कॉर्निवालिस के संधि। क्यों देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई कब थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1992 में। क्यों, क्योंकि लड़ाई ही कब से कब चला था, 1790 से लेकर 1792 तक की ये बात है। तो ये 1792 में संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, और जो लॉर्ड कॉर्निवालिस था उसका शासनकाल था 1786 से लेकर 1793 तक। तो किसके किसके बीच हुई थी, टीपू सुल्तान और कॉर्निवालिस के बीच हुई थी। जनरली हुआ क्या था, 4 ऑंगल मैसूर युद्ध हुए हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें जो पहला ऑंगल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो वो हुआ था 1767 से लेकर 69 के बीच, और यही 69 में फिर मद्रास की संधि से खत्म हुआ। दूसरा हुआ था 1780 से लेकर 1784 के बीच, और 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। तीसरा हुआ था 1790 से लेकर 1792 के बीच, और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रार्थना समाज 1865 ये गर सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, सत्य शोधक समाज की बात करते हैं तो यह 1873 में ज्योति राय फूले के द्वारा किया गया है। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। रामकिशन मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है मुगल काल में दरोगा का पद था। तो मुगल काल में जो दरोगा का पद था वो जनरली जो टकसाल था जहां सोना चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, उसी टकसाल का जो अधिकारी होता था उसी को दरोगा कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टकसाल अधिकारी जो था। ठीक है, एक और दरोगा का नाम आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब क्या पढ़े होंगे कि जो लॉर्ड कॉर्निवालिस था वो जिला में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को उसको इंचार्ज बनाया था, और वही आज भी चलता आ रहा है कि दरोगा को एक थाने का इंचार्ज बनाया जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्निवालिस के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ मुगल काल में पूछ रहा है तब हो जाएगा टकसाल अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो था वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब था, 1848 से लेकर 1846
1856-1856 के बीच में। और इसने क्या किया था, 1852 में एक इनाम कमीशन की भी स्थापना की थी। इसका डॉक्टराइन ऑफ लैब्स तो इतना फेमस है कि आप लोगों को पता ही होगा। और इसने साथ ही साथ याद रखिएगा, ये भारत में पहली बार डाक टिकट 1854 में और पहली बार रेल 1853 में चलाया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के द्वारा किया गया था, ये तंबाकू के प्रतिबंध में लगा दिया गया था। और ये क्वेश्चन और आता है कि तंबाकू लाया किसके द्वारा गया था भारत में, तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था 1605 ईस्वी में। क्लियर है, जहांगीर की अगर बात करते हैं तो ये तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर से एक और चीज़ याद रखिएगा, ये सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। ठीक है, जहांगीर को और क्या कहा जाता है, न्याय का जंजीर भी कहा जाता है। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत किसने की थी? तो अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील पागल रक्त पिचासु शासक भी कहा जाता है। और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया और देवगिरी का फिर नाम बदल के ये कर दिया था दौलताबाद। इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भी भारत आया था। और इसके बारे में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था बदायूनी, वो लिखते थे कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो 2019 का जो मिस यूनिवर्स है उनका नाम है छोची बिनी तुंजी। क्या नाम है? छोची बिनी तुंजी। ये ऑप्शंस गलत लिखा है, जोजी बिनी तुंजी, इनका नाम है रियल में है छोची बिनी तुंजी, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं टोनी एनसी की, तो ये मिस वर्ल्ड बनी है 2011 में, कैटरीना ग्रे 2018 में बनी थी। और सना मारिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सना मारिन याद रखिएगा, ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का है, एड्स दिवस 2019 का क्या थीम था? सबसे पहले बात आती है कि एड्स दिवस का जो 2019 का जो थीम था वो था कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, नो योर स्टेटस था 2018 का थीम। एड्स दिवस की बात करते हैं तो ये सबसे पहले 1988 से मनाना प्रारंभ किया गया था WHO की अनुशंसा पर। क्लियर है, एड्स दिवस मनाया कब जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर में कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं रिकॉल करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये सभी साथ साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, पुस्तक ब्रिट गिटिकल नेशन के लेखक कौन है? जनरली इस पुस्तक का पूरा नाम है ब्रिट गिलियल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपुल्स प्रॉब्लम। और इस पुस्तक के लेखक हैं एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। और इसको भी इसका विमोचन जो है इस पुस्तक का हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, गिरीशचंद निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? गिरीशचंद मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, बिल्कुल सही है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल, ये भी सही है। भगत सिंह कोश्यारी तमिलनाडु के राज्यपाल, ये गलत है। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में होती है। ठीक है, नॉर्वे और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। नॉर्वे से याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है ओस्लो और यहाँ की करेंसी है क्रोन। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, विश्व बैंक कितने अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठनों का समूह है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 संस्थाओं का समूह है। वो 5 संस्थाएं हैं कौन कौन? एक पहला है पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, चौथा है निवेश विवादों के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और 5वां है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। क्लियर है, अगर हम बात विश्व बैंक की कर लेते हैं तो विश्व बैंक से याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1944 में, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, और इसके टोटल मेंबर कंट्री हैं 189, और इसके जो MD एंड CEO हैं उनका नाम है अंशुला कांत, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इसमें एक और दिया हुआ है कैनबरा, कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है।
क्लियर है। चलिए तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने मार्क्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, जितने भी आप लोगों का टेस्ट सीरीज का क्यूरीज है कि सर ये बुक का टेस्ट सीरीज वो बुक का टेस्ट सीरीज, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एडिटोरिया का जैसे ही बुक वॉल्यूम 2 आ जाएगा मैं वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दूंगा। जब तक नहीं है जब तक मैं वॉल्यूम 1 किरण और अरिहंत के बुक से करवा रहा हूँ। साथ ही साथ जैसे ही मुझे टाइम मिल जाएगा तो और KBC ननो या फिर संदर्भ ये सारे जितने भी पब्लिशर हैं वो बुक मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो जितना बेस्ट पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को उतना ज़्यादा सेट प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग परेशान नहीं है, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, आप लोगों के प्रिपरेशन में पूरी मदद की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।